प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 9th में नई अध्याय यानी अध्याय 7 जिसका नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, त्रिभुजों के गुणधर्म के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अपन दो त्रिभुज, देखो सबसे पहले बात आती है सर्वांग समता, इसकी संधि करें अपन सर्व प्लस अंग प्लस सम। सर्व माने सभी, अंग, अब अंग आप ये मत समझिए कि त्रिभुजों में आंख नाक कान गले होते हैं। त्रिभुजों में कितने अवयव होते हैं, कितने अंग होते हैं? केवल भुजा और कोण। तो एक त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं? 3 भुजा और 3 कोण। सम माने समान। यदि कोई दो त्रिभुज हैं कैसे भी, अब उनके ये सारे अवयव, अवयव से मतलब भुजा और कोण, यदि आपस में बराबर हैं, अलग अलग, ये नहीं ये सारी भुजाएं ही बराबर हों, यदि ये भुजा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो इसके संगत भुजा ये 5 होनी चाहिए, ये 6 है तो ये कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। ये 7 है तो ये कितनी होनी चाहिए? 7। संगत भुजाएं बराबर हों और संगत कोण, जैसे ए कोण किसके बराबर हो? डी के। बी कोण किसके बराबर हो? ई के। और सी कोण किसके बराबर हो? एफ के। तो यानी ये पहले जो त्रिभुज है इसकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण, दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाएं एवं सभी कोणों के अलग अलग बराबर, या तो एक शब्द इस्तेमाल करें अपन अलग अलग बराबर, या संगत, संगत भुजाएं एवं संगत कोण समान हो, या अपन अब कक्षा 6 की तरह देखें, छोटी कक्षाओं की तरह, तो सर्वांग समता से तात्पर्य है जैसे इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर रखूं मैं, तो ए बी भुजा किस पर आएगी? डी ई पर आएगी। बी सी भुजा किस पर आएगी? ई एफ पर। और ए सी किस पर आएगी? डी एफ पर। तो इसे पूरा पूरा ढक ले और दूसरे त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर रखें तो ये पूरा पूरा ढक ले, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। जैसे मेरे, अब ये सर्वांग समता त्रिभुजों में ही नहीं होती है, सभी आकृतियों में होती है, लेकिन अपन इस अध्याय विशेष में केवल त्रिभुजों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये मेरा हाथ का पंजा है, यदि मैं इस पंजे को इस पंजे के ऊपर रखूं तो देखिएगा कि ये मेरे बाएं हाथ के जो उंगलियां हैं, अंगूठे, कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इसको उठाकर इसके ऊपर रखूं तो ये नहीं, अब ये नहीं, ये संगत से मतलब है अंगूठा अंगूठे के ऊपर हो, तर्जनी तर्जनी के ऊपर हो, मध्यमा मध्यमा के ऊपर हो, ये नहीं कि मैंने इसको ऐसे रख दिया तो ऐसे ये संगत नहीं है क्योंकि अंगूठा अंगूठे के ऊपर नहीं है। तो ये जो त्रिभुज हैं इनके इस गुण को, कौन से गुण को? सर्वांग, जो इसके प्रत्येक अवयव हैं जो उसके संगत अवयवों के बराबर होते हैं, तो इस गुण को अपन क्या कहते हैं? सर्वांग समता। तो इसकी अपन अब यहां पर परिभाषा और उसके बारे में अपन विशेष अध्ययन करेंगे गुणों के बारे में। तो हमारा है सर्वांग समता, सर्वांग समता दो त्रिभुज देखिए, परिभाषा अपनी भाषा में लिखें तो ज्यादा अच्छा होता है। दो त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे यदि पहले त्रिभुज की तीनों भुजा एवं तीनों कोण
दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं एवं तीनों कोणों के अलग अलग बराबर हों तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम त्रिभुज। तो अपन ये कहें यहां से दो त्रिभुजों में सर्वांग समता कम से कम कितने त्रिभुजों में होती है? दो में। दो त्रिभुजों में, दो त्रिभुजों में यदि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं एवं तीनों कोण दो त्रिभुजों में यदि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं एवं तीनों कोण दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं एवं तीनों कोणों के यदि आपने लिख दिया बराबर तो इसका मतलब है सारी भुजाएं बराबर हो गई और वो केवल विशेष त्रिभुजों में ही लागू है। ये सभी प्रकार के त्रिभुजों में लागू होता है। तो ये अपन को यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल करना होगा कि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं एवं तीनों कोण दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं एवं तीनों कोणों के अलग अलग बराबर हूं तो वे त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। अब देखिए त्रिभुजों के इस गुण को, कौन से गुण को? सर्वांगसम होने के गुण को सर्वांग समता कहते हैं। त्रिभुजों के इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं। देखिए अपन कि एक त्रिभुज तो यह है हमारा जिसका नाम रख दिया हमने ABC, दूसरा त्रिभुज ये हो गया हमारा जिसका नाम रख दीजिए PQR। तो यहां पर AB मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है तो PQ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और ये हो गई हमारी कितनी लगा लें 3, 5, 6 सेंटीमीटर ले लो इसे तो ये भी कितनी होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए अपना 30 डिग्री है C तो ये भी 30 डिग्री, ये 70 है और ये 80 है तो ये भी 70 होगा और ये 80 होगा। तो यहां अपन देखें त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्योंकि इस पे मैं कितना जोर दे रहा हूं आपको, ये सारे नियम, ये सारे गुण आपको प्रमेय हल करने में काम आएंगे 10वीं तक, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक इनको समझें।
तो यहां दे रखा है पहले यदि त्रिभुज ए बी लिखा है तो उसकी भुजाएं लिखें, कोण लिखें, पहले क्रम होता है इसमें, पहले ये लिखा है तो इसके ही कोण, ए बी बराबर किसके हो गई, पी क्यू के, और बी सी बराबर किसके हो गई, क्यू आर के, और ए सी बराबर किसके हो गई, पी आर के, तथा कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी, अब ये जो चिन्ह आ रहा है ये दो रेखाएं बराबर और तीसरी रेखा उस पर घूमती हुई, ये चिन्ह होता है सर्वांग समता का, त्रिभुज पी क्यू आर। तो इस प्रकार से इसको इस चिन्ह से दर्शाया जाता है सर्वांग समता को। तो ये तो हुई हमारी सर्वांग समता की परिभाषा। अब सर्वांग समता, अब हम देखें कि यदि छह बातें, तीन भुजाएं, तीन कोण प्रत्येक क्वेश्चन में करें तो काफी टाइम इसी में हो जाता है, इसके लिए कुछ नियम हैं। तो नियम अब अपन इसके नियम पढ़ेंगे, सर्वांग समता के नियम जो आप पढ़ भी चुके हैं कुछ। सर्वांग समता के नियम, फर्स्ट है अपना भुजा, भुजा भुजा नियम। देखिए भुजा को अंग्रेजी में साइड कहते हैं, तो एस 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 नियम, इससे क्या तात्पर्य है कि यदि दो त्रिभुज हैं अपने पास में, ए बी सी पी क्यू आर, तो यदि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हैं तो भी ये त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। कैसे, हमने तो कहा था प्रत्येक अवयव दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक अवयव संगत अवयव के समान होना चाहिए। तो हम पढ़ चुके हैं कि बराबर, यदि ये भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर, तो कोण स्वतः ही बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के, और ए सी किसके बराबर है, पी आर के। तो नियम है अपना भुजा भुजा भुजा। तो इसकी परिभाषा हो गई, दो त्रिभुजों में यदि पहले त्रिभुज की पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं कोमा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग 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 बराबर हूं तो भी वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। आपको ये शॉर्ट में याद रखना है, प्रमेय में अपन वो केवल कारण देना होता है भुजा 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 नियम से। अब दूसरा है इसका नियम,
भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। सेकंड नियम है अपना भुजा कोण भुजा, एस ए एस नियम। कोण को अंग्रेजी में एंगल कहते हैं, इसलिए किससे लिखा गया है, ए से लिखा गया है। तो आप देखें दो त्रिभुजों में बात कर रहे हैं अपन, ये दो त्रिभुज हैं अपने, ये ए बी सी डी ई एफ कोई भी नाम रख लें आप। तो ये क्या कह रहा है कि दो भुजा, और कोण को कहां लिखा है मैंने, बीच में। तो जो दो भुजाएं बराबर है, मान लीजिए ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके, तो इनके बीच का ये कोण बराबर होने चाहिए। ये भुजा इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए। यदि भुजाएं ये बराबर है और ये कोण बराबर है, तो आपकी सर्वांग समता नहीं लगती है। इस पर विशेष ध्यान रखें कि ए बी किसके बराबर है, डी ई के, और बी सी किसके बराबर है, ई एफ के। तो कोण बी और ई बराबर होने चाहिए, तो ही सर्वांग समता लगती है। तो अब हम देखें परिभाषा इसकी, दो त्रिभुजों में यदि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं, पहले त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण, कॉमा दूसरे त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर हूं, तो वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। अर्थात जो चित्र दिया गया है उसमें हम देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में बात कर रहे हैं क्या क्या बराबर दिया है हमको, ए बी बराबर डी ई दिया है, और कोण बी बराबर कोण ई, और बी सी बराबर ई एफ, बी सी भुजा सॉरी बी सी बराबर ई एफ, तीन बातें ऐसे अपन लिखते हैं। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, वही दो भुजाएं बराबर, दो चिन्ह और तीसरी रेखा लहरती हुई त्रिभुज डी ई एफ, कारण यहां होगा अपन लिख देंगे इस प्रकार से एस ए एस सर्वांग समता से। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। अब तीसरा नियम है अपना देखिए,
तीसरा नियम है कोण भुजा कोण। किसी भी एक त्रिभुज के दो कोण एवं एक भुजा। तीसरा नियम हो गया हमारा कोण भुजा कोण, यानी ए एस ए। या देखिए त्रिभुज में एक नियम लगता है कोणों पर, त्रिभुज कोण योग गुणधर्म, जो आपने फिर में 6.1 में पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो दो कोण यदि एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है। तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है तो वो दूसरा नियम हुआ कोण कोण भुजा, अर्थात ए ए एस नियम। ये दोनों ही एक ही नियम है, कोई सा भी लगे तो आप लगा दें। तो परिभाषा, दो त्रिभुजों में यदि पहले त्रिभुज के दो कोण एवं एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं एक भुजा के अलग अलग बराबर हूं तो भी वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। जैसे अब अच्छा जी, त्रिभुज दो त्रिभुज ले लें अपन, कैसे भी ले लें, ये त्रिभुज ले लिया, दूसरा ये ले लिया, तो नाम ए बी सी पी क्यू आर। तो दो कोण, कोई भी दो कोण ले लें अपन, मान लीजिए बी किसके बराबर है, क्यू के, सी बराबर है आर के, और ये भुजा बराबर है, भुजा कोई सी भी हो सकती है, मैं कह चुका हूं। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दे रखा है, बी सी बराबर क्यू आर, और कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर। तीन बातें होते ही अपन कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। नियम एस ए एस या ए एस वो सॉरी ए एस ए या एस ए ए एस भी लिख सकते हैं। यहां पर तो ए एस ए लगेगा, दो कोण अलग अलग दे रखे हैं तो वो लग जाएगा। अब इसका चौथा नियम है जो केवल समकोण त्रिभुजों में लगता है, जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री, उस त्रिभुज को क्या कहते हैं अपन, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चौथा नियम देखें फटाफट, क्योंकि बैटरी लो हो रही है। वो होता है समकोण कर्ण भुजा, अर्थात समकोण को कहते हैं राइट एंगल, तो आर कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और भुजा को साइड, आरएचएस नियम। ये केवल समकोण त्रिभुज में लगता है, ध्यान रहे। तो दो समकोण त्रिभुज लें अपन, ए बी सी पी क्यू आर। तो इसमें B और यहां पर Q कोण कैसे हैं, समकोण हैं। तो दो समकोण त्रिभुजों में
दो समकोण त्रिभुजों में, दो समकोण त्रिभुजों में यदि पहले त्रिभुज का, पहले त्रिभुज का, त्रिभुज का कर्ण एवं